मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाया है, तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करवाऊंगी। इसके पहले मैं फ्रेंड्स कहना चाहती हूँ, जो फ्रेंड्स हमारे नए हो प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो फ्रेंड्स पहले से ही देख रहे हैं वो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया है कि आप लोगों की डिमांड पर ही मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो ग्रामर में मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टेंस। टेंस के अंतर्गत आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस करवा दिया है, तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कराने जा रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही एक दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको आप लोग जानते रहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने लिखा है पार्ट वन। पार्ट वन का क्या मतलब है? यहाँ पर पार्ट वन का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत मैं आप लोगों को अफर्मेटिव या फिर इसी का एक नाम होता है पॉजिटिव सेंटेंस कराऊंगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट वन अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का ये एक्सरसाइज आज मैं आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंतर्गत पहचान बताने जा रही हूँ, इसकी पहचान क्या होती है। ये देखिए पहचान, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। जहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, जैसे वह पढ़ रहा है, वह लिख रही है, वे दौड़ रहे हैं, इस प्रकार के सेंटेंस आपके दिए रहेंगे तो आप जनरली इसको समझ लेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, नेक्स्ट, यह पहचान तो नहीं कह सकते बट जनरली समझने के लिए हमने नोट डाउन कर दिया है, इससे भी आप कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ जाएंगे। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस हमारे दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, काम जारी तो रहता है, ये तो पता चलता है कि काम हो रहा है, लेकिन उसमें जारी रहने का, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है कि काम कब से जारी है, ये चीज उसमें नहीं दी रहती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग इसके पहचान के अंतर्गत समझ सकते हैं कि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे ऐसे दिया रहेगा और काम कंटिन्यू जारी रहेगा और जारी रहने का समय नहीं दिया जाएगा। ओके, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रूल। रूल हमारे ये देखिए, रूल में दिया गया है ही सी इट और सिमिलर नाउन सब्जेक्ट, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी लगाते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि आपके लिए जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ये है ही सी इट ये है, या फिर सिंगुलर नाउन का कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कोई किसी का नाम हो गया, ये सब कुछ हुआ, तो उसमें आप क्या काम करेंगे, जनरली इज लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन सी लगा करके उसको सेंटेंस को आप बना होंगे। सेकेंड रूल देखिए फ्रेंड्स, यू वी दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी लगाते हैं, इसमें क्या होगा आपका, ये वर्ड्स दिए रहेंगे यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो रहेगा, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या होगी, आर लगाई जाएगी और जरूरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी लगा करके आप अपना सेंटेंस इसलिए बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने एक चीज इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ये एक सब्जेक्ट होता है आई, आई को हिंदी में बोलते हैं मैं, अगर आपका सब्जेक्ट ये है आई तो आप आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी लगाएंगे, ये चीज इसीलिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दिया है और आप इसको समझते रहिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वहां पर आई के साथ एम लगाकर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी लगाकर के सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपको पहचान बता दिया, रूल्स आपको बता दिए कौन कौन से रूल होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम आइए आपको एग्जाम्पल्स करवाते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वह मैदान में दौड़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वह की अंग्रेजी जैसा कि यहाँ पर दौड़ रहा है सेंस निकल रहा है कि कोई ये मेल है, तो इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया जाता है वह के लिए होता है हमारा ही, हमने लगा दिया। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी,
जैसा कि रूल में लिखा हुआ है ही के साथ हमारा क्या लगता है, इज। इज हमने लगा दिया, यहाँ पर हमारा हो गया इज। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है, वो है दौड़ रहा है। ठीक है, तो दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रन। अब रन में हम क्या काम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है रूल के अंदर आई एन जी लगा देते हैं, तो रन में हमने आई एन जी लगा दिया। इसके बाद कहा, मे को इंग्लिश में बोलते हैं इन, उसके लिए हमने इन लगा दिया। मैदान, मैदान के लिए जो हम वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं उसके लिए होता है फील्ड। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह होगा ही इज रनिंग इन द फील्ड। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह है, मैं एक गाना गा रहा हूँ। ये हमारा सेंटेंस दिया गया है। अब देखिए इसमें आपका ये तीसरा वाला जो नोट हमने करके लिखा है वही चीज इसमें फॉलो होगा। आई के साथ आपका क्या लगता है, एम। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई है, हमने आई लगाया। और आई के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी होती है, एम। तो यहाँ पर मैंने एम लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, गाना गा रहा हूँ। तो गाने मतलब गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग। तो सिंग में हम क्या करेंगे, जनरली आई एन जी लगा देंगे, सिंगिंग हमारा हो जाएगा। अब क्या, एक गाना के लिए जो हमारा वर्ड इंग्लिश में बनेगा वो क्या होगा, अ सॉन्ग। इस प्रकार जो सेंटेंस दिया गया है, मैं एक गाना गा रहा हूँ, इसके लिए जो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा वो होगा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन एक पत्र लिख रहा है। ये हमारा सेंटेंस दिया गया है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर रूल में बताया ही सीट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो यानी कि एक वचन करता हो, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक वचन का, मोहन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। ये हमारा सेंटेंस दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा जो मोहन है वो क्या है, सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट है, इसको मोहन को जरूरी है, मोहन उसकी ट्रांसलेट कर देंगे मोहन। अब इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसके साथ अकॉर्डिंग टू रूल हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी इस हम यहाँ पर लगा देंगे। लिख रहा है, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। अब राइट में हम आई एन जी लगा देंगे तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो होगा राइटिंग। मोहन इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, एक पत्र, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ लेटर। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो दिया गया है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, इसके लिए जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो होगा मोहन इज राइटिंग अ लेटर। देखिए, राम का भाई छाता खरीद रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपकी ये है कि राम का भाई, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है और इसके लिए जो वर्ड्स होगा वो होगा राम का भाई के लिए रामाज ब्रदर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है पॉस्ट्रॉफी लगा करके एस लगा देते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा राम का, और भाई के लिए जो वर्ड होगा वो ब्रदर। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है राम का भाई, इसको जब हम इंग्लिश में करेंगे तो वो बनेगा रामास ब्रदर। लेकिन ये हमारा सिंगुलर नाउन में है, सिंगुलर नाउन में है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खरीद रहा है, खरीदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई। बाई में हम आई एन जी लगा देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है बाइंग। और क्या खरीद रहा है, छाता। तो छाता के लिए एक छाता खरीद रहा है, तो उसके लिए एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो जो सेंटेंस है राम का भाई छाता खरीद रहा है, इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इस प्रकार होगा, रामास ब्रदर इज बाइंग एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, अब बारिश हो रही है। यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया, इसको आप इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं क्या, मैं क्या करूं। तो इसके लिए हमारा एक सेंटेंस बना हुआ है, वो एक मतलब सब्जेक्ट बना हुआ है, वो है इट। इट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इट हमने लगा दिया, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया। और आपको ये भी याद रखना है कि इट हमारा जो है वो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ड लगेगी वो होगी इज। इज हमने लगा दिया। बारिश होने के लिए एक वर्ड यूज होता है रेन। रेन, रेन में हमने क्या काम किया, आई एन जी लगा दिया, तो हमारा रेनिंग हो गया। और अब यहाँ पर तो ये पहले दिया गया स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर जब हम यूज करेंगे ट्रांसलेशन में तो ये लास्ट में यूज होगा, ये देखिए। ठीक है, तो अब बारिश हो रही है, इस प्रकार जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको तो हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स,
ये लड़कियां गीत गा रही हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ये लड़कियां। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लूरल नाउन होगा। ओके, तो इसको इंग्लिश में जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए वर्ड बनेगा दीज गर्ल्स। ये हमारा इतना जो सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल नाउन में हो रहा है, दीज गर्ल्स। अब जब ये प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट है हमारा तो इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगी आर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब गीत गा रही है, गा रही है के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो हमारा होता है सिंग। बट ये कंटिन्यूअस का टेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो सिंग में हमने आईएनजी लगा दिया तो बन गया सिंगिंग। और क्या गा रही है? गीत। गीत के लिए जो वर्ड होता है इंग्लिश में होता है सॉन्ग। कई सारे गीत गा रहे हैं, कई सारी लड़कियां हैं तो प्लूरल में होगा इसलिए वहां पर एस हमने लगाया है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये लड़कियां गीत गा रही हैं, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन इस प्रकार बनेगा दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, माता जी रामायण पढ़ रही है। ठीक है, तो माता जी हमारी क्या है, सब्जेक्ट हो गया। माता जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर। मदर हमने लगा दिया और ये हमारा सिंगुलर में है। यहाँ पर जो हमने है बिंदी लगाई ये रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ पर बिंदी लगेगी, बाकी ये प्लूरल में नहीं है, है तो ये सिंगुलर में सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या होगी, इज हो गया। अब पढ़ रही है, पढ़ने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो हमारा होता है रीड। और रीड में हम आई एन जी लगा देंगे, रीडिंग बन जाएगा। क्या पढ़ रही, रामायण। रामायण हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होने की वजह से यहाँ पर ये द लगेगा और ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसे यहाँ पर देखिए हमने रामायण को क्या किया, कैपिटल में लिखा हुआ, इसको आप याद रखेंगे। तो माता जी रामायण पढ़ रही, जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो इस प्रकार होगा, मदर इज रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड, तुम अपना कार्य कर रहे हो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम। और तुम हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। तो तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, हमने यू लिखा। अब प्लूरल नाउन है तो उसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी आर। आर हमने लगा दिया। कर रहे हो, करना को इंग्लिश में बोलते हैं डू। डू में हमने एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए डू में हमने आईएनजी लगा दिया तो डूइंग हो गया। अब यहाँ पर अपना कार्य, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा जब तुम है तो तुम होने की वजह से अपना कार्य के लिए हमें यू के हिसाब से यहाँ पर हमारा योर लगेगा। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, अगर आपका सब्जेक्ट तुम है तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, वह है तो अपने के लिए क्या लगेगा, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आगे समझाऊंगी। इसमें तो फिलहाल मैं यही बता रही हूँ। इसके बाद अपना कार्य, कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। तो इस प्रकार जो सेंटेंस हमारा दिया गया है, तुम अपना कार्य कर रहे हो, जब इसको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूंगी तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो बनेगा यू आर डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम। और ये किसमें है, प्लूरल नाउन में, बहुवचन में। तो इंग्लिश में हम के लिए जो वर्ड यूज होता है वी। वी हमने लगा दिया, प्लूरल नाउन है, ये कन्फर्म हो गया है। तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। आर हमने लगा दिया। और खेल रहे हैं, खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले हो गया, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमको आईएनजी भी लगाना पड़ेगा, तो हमने आईएनजी लगा के बनाया, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट को इंग्लिश में क्रिकेट ही बोलते हैं। इस प्रकार जो हमारा ट्रांसलेशन दिया गया है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इस प्रकार होगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं आम खा रहा हूँ। अब ये वो वाला रूल है जिसमें हमने आपको नोट करके लिखवाया है कि मैं होगा तो उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, यहाँ पर हमने आई लगा दिया। इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आई एम लगेगी, जैसा कि मैंने आपको रूल में लिखाया है, तो आई एम हो गया। खा रहा हूँ, खाने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो होता है ईट। ईट कर दिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ईट को हम ईटिंग कर देंगे आई एन जी जोड़ करके। आम, बहुत सारे आम होंगे, हो सकता है, तो उसके लिए मैंगोज प्लूरल में कर दिया। तो इस प्रकार जो सेंटेंस दिया गया है, मैं आम खा रहा हूँ, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा आई एम ईटिंग मैंगोज। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट के वे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस करवाए, ये सब एग्जांपल्स हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इसी
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पार्ट टू होगा, उसमें मैं आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, आप अगर नए इस यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।